देखो एक क्वेश्चन लेके आई है और क्वेश्चन में क्या है, एक किसान को बाजरे की फसल में दो चीजें देनी है, एक तो देना है नाइट्रोजन, क्या देना है नाइट्रोजन देना है, और नाइट्रोजन की मात्रा है 90 केजी, कितने केजी है 90 केजी है, और दूसरा उसी किसान को उसी बाजरे की फसल में पोटेशियम भी देना है और पोटेशियम की मात्रा रखनी है 40 केजी। और मजे की बात यह है कि क्वेश्चन ये भी कह रहा है कि उस किसान का मन है कि वो क्या करे डीएपी भी डाले और डीएपी के साथ साथ यूरिया भी डाले, क्या डाले यूरिया भी डाले। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक बहुत आसान तरीका है, सबसे पहले आपको इसमें कौन कौन से पोषक तत्व है उनकी मात्रा देखनी है एक बार, जैसे डीएपी में क्या क्या पाया जाता है नाइट्रोजन और फॉस्फोरस, नाइट्रोजन कितना परसेंट होता है और फॉस्फोरस कितना होता है 46%, और यूरिया में क्या होता है कितना परसेंट होता है। अब देखो अक्सर बच्चे यूं करते हैं कि सर हमको देना है फॉस्फोरस होगा सर, पोटेशियम लिख के लाई है तू, है ना, ये बेटा के लिख रखा है तूने, फॉस्फोरस आएगा क्योंकि डीएपी फॉस्फोरस का ही होता है ना, इसमें पी करना, तुम हिंदी में वैसे इसने लिख रखा है लेकिन इंग्लिश में सिंबल इसने क्या डाल रखा है के ही डाल रखा है, तो पी आएगा, देखो जरा ध्यान देना। तो फॉस्फोरस 40 किलो देना है, कितना देना है 40 किलो, तो बच्चे क्या करते हैं इस 40 को तो दे देते हैं डीएपी से और 90 को दे देते हैं यूरिया से, और इतने में क्वेश्चन हो जाता है गलत, क्या हो जाता है गलत, क्यों होता है समझना। किसान साफ साफ आपसे कह रहा है कि मुझे 90 किलो ही देना है नाइट्रोजन, कितनी देनी है, और 40 किलो ही क्या देना है पी देना है। अब अगर आपने दोनों से अलग अलग दिया तो होगा क्या कि आपने 90 किलो के लिए जितना यूरिया चाहिए था उतना दे दिया, कोई दिक्कत नहीं है, और 40 किलो देने के लिए जितना पी देने के लिए जितना डीएपी चाहिए था उतना दे दिया, लेकिन 40 किलो फॉस्फोरस देने के लिए जब आप डीएपी डालोगे तो क्या उसके साथ नाइट्रोजन नहीं जाएगी क्या, ऐसा तो है नहीं आप सिर्फ फॉस्फोरस डाल दोगे। इसका मतलब ये हुआ कि हमें ऐसे करना चाहिए कि पहले तो फॉस्फोरस की मात्रा निकालनी चाहिए, किसकी मात्रा निकालनी चाहिए फॉस्फोरस से, आप डीएपी की मात्रा निकाल लोगे कि 40 किलो फॉस्फोरस देने के लिए हमें इतना डीएपी चाहिए होगा, पहली चीज क्लियर है। दूसरी बात डीएपी की मात्रा आ जाएगी तो उस डीएपी की मात्रा से आप क्या करोगे नाइट्रोजन की मात्रा निकाल लोगे, जैसे मान लो 40 किलोग्राम फॉस्फोरस के लिए आपको 100 किलो डीएपी चाहिए था, कितना किलो चाहिए था, इसका मतलब 100 किलो डीएपी डालते 18 किलो नाइट्रोजन जा चुका है, तो उस नाइट्रोजन की मात्रा टोटल से घटा दो, जो मात्रा बच गई उसको यूरिया से पूर्ति कर दो, समझ में आ गई। अब इसको एक्सप्लेन करता हूँ, जैसे पहले हमको क्या करना है डीएपी की मात्रा निकालनी पड़ेगी, किसकी मात्रा निकालनी पड़ेगी डीएपी की, इसमें किसकी मात्रा दी हुई है क्वेश्चन में, किसकी मात्रा दी हुई है, अरे फॉस्फोरस क्या है एक पोषक तत्व है, यानी कि हमेशा जो मात्रा दी हुई होती है उसको तो किसमें रखते हैं ये लोग गुणा में रख दिया है, अगर पोषक तत्व दिया हुआ हो तो भाग किसका देंगे पोषक तत्व की मात्रा का, फॉस्फोरस कितना परसेंट है 46%, ऊपर कितना आएगा 100 आ जाएगा, बहुत बढ़िया 46 का, जैसे ही आप इसमें भाग दोगे 2.17 बार चला जाएगा, और इसको 40 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना बार जब कितना आ रहा है इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये लगभग लगभग कितना आ रहा है 86.8, 86.8 एक बार ही मल्टीप्लाई और कर लेना, इतने किलोग्राम आपको जरूरत पड़ेगी डीएपी की, किसकी जरूरत पड़ेगी डीएपी की, एक बार फिर से मल्टीप्लाई कर लेना, जैसे 4 को 7 दूनी 14, 28 का 8, फिर पावर लगा देंगे 2, 4 और 8 यानी 6 हो जाएगा, बिल्कुल सही है 86.8 kg डीएपी की आपको जरूरत होगी, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब आप 86 kg डीएपी तो किसके लिए डाल रहे हो, केवल पी के लिए डाल रहे हो, ये डालोगे तो नाइट्रोजन अपने आप सोते ही साथ चला जाएगा। अब आपको इस क्वेश्चन को खुद को ही घुमाकर खुद को ही मैनिपुलेट करके सॉल्व करना है, कैसे, अगर आपने 86 किलोग्राम डीएपी डाला तो नाइट्रोजन की मात्रा कितनी गई ये आपको निकालना है, क्या निकालना है नाइट्रोजन की मात्रा निकालनी है, किसकी मात्रा निकालनी है नाइट्रोजन की, यानी अब आपके पास में अगर देखा जाए तो सामने आपको क्या दिया हुआ है उर्वरक की मात्रा, किसकी मात्रा दी हुई है, अगर उर्वरक की मात्रा दी जाती है तब पोषक तत्वों की मात्रा कहाँ आती है ऊपर, क्योंकि इस उर्वरक से हमें निकालना क्या है नाइट्रोजन की मात्रा, नाइट्रोजन कितनी होती है 18, नीचे क्या जाएगा 100, और ये संख्या कहाँ जाएगी हमेशा ये गुणा में जाती है सदैव, कहाँ जाती है गुणा में ही जाती है, कोई दिक्कत है। अब इसको जैसे ही हम लोग सॉल्व करेंगे तो आप लोग मल्टीप्लाई कर लीजिए इसको, जैसे मान लो एक बार के लिए यहाँ पर पॉइंट लगाकर इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ रहा है फोन से कर दिया क्या मल्टीप्लाई,
कितना आ रहा है? बहुत बढ़िया, 15.5 किलोग्राम नाइट्रोजन की पूर्ति होगी। यानी सीधा सा इसका मतलब ये हुआ इस क्वेश्चन का कि जब आपने ये फॉस्फोरस देने की कोशिश की तो उस डीएपी के साथ 15 किलो नाइट्रोजन पहले ही चली गई। यानी इस 15 को किसमें से घटाओगे, किसमें से घटा दोगे? बहुत बढ़िया, यानी आपने किया सर 90 में से 15 ही घटा लो, 15.5 की जगह कितना घटा लो 15, कितना बच जाएगा पीछे, लगभग कितना बच गया 75 केजी। ये किसकी मात्रा है, इसकी पूर्ति किससे करनी है, यहाँ किसकी मात्रा दी हुई है, पोषक तत्व की। पोषक तत्व उर्वरक में कितना होता है, 46। यहाँ मल्टीप्लाई में हमेशा ये वाली वैल्यू तो लिखनी रहती है, कल बताया था ना ये कहाँ आएगी सदैव मल्टीप्लाई में। यहाँ फर्टिलाइजर की थी देखो 46, तब भी मल्टीप्लाई में लिखा, 40 उर्वरक की थी तब भी मल्टीप्लाई में लिखा, अब 75 उर्वरक की है तो भी मल्टीप्लाई में रखा, ऊपर नीचे तो यही तो होता है, ऊपर आ जाएगा ये 100 को 2.17 हो गया और इसको 75 से मल्टीप्लाई करो कितना आ रहा है, देखे 153, यानी कि 153 केजी आपको यहाँ यूरिया चाहिए। आंसर आपका निकल के ये आता है इस क्वेश्चन का, इस क्वेश्चन का आंसर रहता है कि 153 केजी यूरिया और 86.8 केजी डीएपी आपको डालना पड़ेगा इनकी अगर आपको पूर्ति करनी है तो। बताओ भाई किसको समझ नहीं आया, ये बात समझ में आई आपको? आपने क्या किया था इससे पहले, इनको अलग अलग सॉल्व किया था, एग्जामिनर ने क्या किया दोनों क्वेश्चन एक ही के अंदर डाल दिए, और वहां आपको थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत थी। और दिमाग क्या लगाना था कि पहले फॉस्फोरस की मात्रा निकाल लो, फॉस्फोरस के लिए आपने जितना उर्वरक डाला उस उर्वरक में कितना नाइट्रोजन गया उसकी मात्रा निकाल लो, उसको टोटल में से घटा दो और फिर यूरिया से वापस से आप क्या कर दो मात्रा दे दो, आपका सही आंसर आ जाएगा। हाँ जी 63 आ रहा है क्या? हाँ तो मल्टीप्लाई आप ही लोगों ने किया है ना, मैंने नहीं किया ना, देखो 163 और कर लेना भाग गुणा, तो बेटा फिर कहोगे कि सर आपने किया था ये, तो अब तो सही है ना, कर लिया गुणा, चलो मैं कर देता हूँ कोई बात नहीं। 75 को करते हैं तो सात लगभग लगभग 140 तो इससे हो गया, 5 से हो गया, तो 150 तो सीधा सीधा हो रहा है, 0.17 से 75 को गुणा करते हैं, 2 से कर लो, 0.2 से कर लो, लगभग लगभग 163 के पास ही जाएगा। ठीक है यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, इसको उतार लो, मैं क्वेश्चन बोल देता हूँ, पहले क्वेश्चन लिख लो फिर इसको उतार लो। ये किसमें आया हुआ है, कौन से एग्जाम से लाइए क्वेश्चन, मन मर्जी से बनाया है अगर बैठ के सर, तूने बनाया है क्या है, तूने बनाया है? फिर ये किसान कहाँ से आया, सीधा सीधा ही कहती थी 90 किलोग्राम नाइट्रोजन 40 किलोग्राम पोटेशियम देना है। क्वेश्चन बनाने का तरीका देखो, पूरी मास्टर नहीं बनी है, एक किसान को बाजरे में, अरे दो होते किसान तो क्या चलता नहीं क्या है, किसान को भी एक फसल भी देखो सिर्फ बाजरे में देना है, अरे मूंग में दे देती। और दूसरी बात, जैसे मान लो इसमें क्वेश्चन थोड़ा सा मॉडिफाई होके आ जाए, समझ रहे हो मेरी बात, जैसे मान लो इसी क्वेश्चन में आपको ये कहे कि 1 हेक्टेयर की जगह आपको कहे 10 हेक्टेयर में देना है, कितने हेक्टेयर में देना है, समझ गए मेरी बात, तब क्या करोगे 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब उतार लो, पहले तो क्वेश्चन लिख दो, बाजरे की फसल में 90 किलोग्राम नाइट्रोजन व बाजरे की फसल में 90 किलोग्राम नाइट्रोजन व 90 किलोग्राम नाइट्रोजन व 40 किलोग्राम फॉस्फोरस की पूर्ति हेतु, ले पकड़, पूर्ति हेतु कितने किलोग्राम यूरिया व डीएपी की आवश्यकता होगी, सामने से फटाफट कैलकुलेशन भी उतार लो।
हो गया क्या यहाँ तक? बिल्कुल सिस्टमेटिकली उतारना है ना एक एक स्टेप से, कि पहले ये डीएपी की कैलकुलेशन, दूसरे नंबर पर आपको डीएपी से नाइट्रोजन की कैलकुलेशन, तीसरे नंबर पर आपको वापस सिक्स की कैलकुलेशन, यूरिया की कैलकुलेशन, ऐसा है इनका सिस्टमेटिक तरीका। उतार हाँ जी, कौन बोला, किसी ने कुछ बोला क्या? सर आपके कान बज रहे हैं, ये भी ठीक है। चले आगे, उतार लिया सबने। इसके बाद में देखो, ध्यान दो, यहां तक पढ़ने के बाद फर्टिलाइजर हमने, उर्वरक हमने खत्म कर लिया। एक और टॉपिक होता है जिसको हम बोलते हैं जैव उर्वरक। क्या बोलते हैं? उर्वरकों के साथ ही एक छोटा सा टॉपिक और चलता है जिसको बोलते हैं जैव उर्वरक। अगर इसको हम इंग्लिश की बात बोले तो इंग्लिश को इसमें क्या बोलते हैं? बायो फर्टिलाइजर। क्या बोलते हैं इंग्लिश में? बायो फर्टिलाइजर। देखो ध्यान रखना, जैव उर्वरक होता है, जैव उर्वरक का मतलब होता है ये छोटे छोटे सूक्ष्म जीव होते हैं जिनका उपयोग हम सामान्यतया या तो किसी पोषक तत्वों को घोलने के लिए करते हैं। किसके लिए करते हैं? जैसे फॉस्फोरस एक ऐसा पोषक तत्व है जो मिट्टी के अंदर जाने के बाद अपनी जगह से हिलता भी नहीं है, ये बात मैंने आपको उर्वरकों में पढ़ाई थी, याद है आपको? यानी कि 17 के 17 पोषक तत्वों के अंदर 2 पोषक तत्व ऐसे हैं, जैसे इनमें से एक की बात करते हैं किसकी? फॉस्फोरस की, कि इसको जिस जगह आप डालोगे वहीं पड़ा रहेगा, पौधे की जड़ वहां पहुंच के तो काम आएगा, अन्यथा नहीं आएगा। समझ में आई मेरी बात? अब जैसे मान लो इस साल आपने फॉस्फोरस दिया, तो ये फॉस्फोरस क्या करता है? इसका सबसे ज्यादा स्थिरीकरण होता है। वैसे मैं आपको आइडिया लिखवा देता हूँ, एक वैल्यू लिखवा देता हूँ, देखो लिख लो। जैसे मुख्यतः हम क्या करते हैं? नाइट्रोजन वाले उर्वरकों का उपयोग करते हैं, एक तो एक हम करते हैं फॉस्फोरस वाले उर्वरकों का उपयोग। किसका करते हैं? फॉस्फोरस। और एक हम करते हैं पोटेशियम उर्वरक का उपयोग। किसका करते हैं? इन तीन उर्वरकों का उपयोग करते हैं। अब इनकी उपयोग दक्षता क्या होती है उसको समझना। उपयोग दक्षता का मतलब होता है यूज एफिशिएंसी। जैसे मान लो आपने 100 किलोग्राम फॉस्फोरस डाला, कितना किलोग्राम डाला? 100 किलो। लेकिन इस 100 में से मान लो 50 किलो तो पादप उपयोग कर लेते हैं और 50 किलो कभी भी उपयोग में आता ही नहीं है, यानी इसकी उपयोग दक्षता कितनी हो गई? 50। कितनी हो गई? 50। जैसे मान लो आपने नाइट्रोजन डाला, नाइट्रोजन मान लेते हैं 70 केजी तो काम में आ गया, और 30 केजी का जैसे मान लो या तो निक्सालन हो गया या कोई दूसरी हानि हो गई, समझ रहे हो मेरी बात? तो इसमें से काम केवल कितना आया? 70। इसको क्या बोलते हैं? उपयोग दक्षता। यानी कि अगर हम मिट्टी के अंदर नाइट्रोजन वाले उर्वरक डालते हैं तो उनका केवल और केवल ये मान के चलो कि 40 से लेकर 50% भाग ही काम में आता है, बाकी की हानि ही होती है। क्या होती है? यानी नाइट्रोजन उर्वरकों की उपयोग दक्षता कितने परसेंट होती है? 40 से 50%। कितने परसेंट होती है? 40 से 50%। फॉस्फोरस वाले उर्वरकों की उपयोग दक्षता केवल होती है 15 से 20%। कितने परसेंट होती है? जितना आप मिट्टी में डालोगे उसका केवल 15% से 20% काम आएगा, बाकी का मिट्टी के अंदर ही रह जाता है जो कभी काम आता ही नहीं है। तीसरा होता है पोटेशियम, इसकी उपयोग दक्षता होती है 85%। कितने परसेंट रहती है? 85 से 90%। यानी पोटेशियम आप जितना मिट्टी में डालोगे ना उसका लगभग 85 to 90 यानी 85 से 90% उपयोग में काम में ले लेंगे पादप, लेकिन नाइट्रोजन कितना देते हैं? केवल 40 से 50%। कारण समझा देता हूं। पोटेशियम मिट्टी में के प्लस के रूप में जाता है, मिट्टी के कणों पर कौन सा आवेश पाया जाता है? ऋण आवेश। पोटेशियम जाके यहाँ बैठ जाता है, जब भी पादप को जरूरत होती है इस पोटेशियम को काम में ले लेता है। समझ में आ गई मेरी बात? लेकिन अगर फॉस्फोरस की बात करें तो फॉस्फोरस जो होता है वो मिट्टी में पादपों के लिए उपलब्ध इस रूप में रहता है, इसी रूप में रहता है ना, इसके ऊपर माइनस आवेश रहता है और मिट्टी के कणों पर भी कौन सा रहता है? माइनस। यानी ये कहा नहीं जा सकता,
मिट्टी के कणों पर जा ही नहीं सकता, क्योंकि समान आवेश का मतलब है एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित, और अगर आवेश विपरीत है तो आकर्षित करेंगे। यानी कि इस पे प्लस था तो इसको तो ये मिट्टी का कण क्या करता है, अपने पास बुलाता है, लेकिन इसके बेचारे के पास माइनस है तो इसको दूर धक्का मारता है, प्रतिकर्षित करता है। समझ में आ गई मेरी बात? अब जैसे मान लो मिट्टी के अंदर कैल्शियम पड़ा हुआ है, क्या पड़ा हुआ है, कैल्शियम पर कौन सा आवेश होता है, अब ये कैल्शियम इसके साथ क्रिया करके बना देता है कैल्शियम सल्फेट, क्या बना देता है ये, जैसे मान लेते हैं इस पर माइनस टू है तो यहाँ पर H ही होता है, जब H2PO4 पर केवल माइनस रहता है और HPO4 पर माइनस टू रहता है, या अगर यहाँ टू है तो यहाँ केवल एक माइनस आएगा और यहाँ केवल H ही रहता है तब यहाँ माइनस टू आएगा। समझ में आ गई? तो ये बना देता है PO4, जिसको बोलते हैं कैल्शियम फॉस्फेट, क्या बोलते हैं, कैल्शियम फॉस्फेट। इस रूप के अंदर मिट्टी के अंदर जाकर इस तरह से मान लो एक मिट्टी का कण ही बन जाता है, जो किसी काम का नहीं होता है, पौधे अब इसका उपयोग जिंदगी में कभी कर ही नहीं सकते। समझ में आ गई मेरी बात? इसीलिए इसकी उपयोग दक्षता सबसे क्या होती है, कम होती है। अगर मान लो मिट्टी अम्लीय हो, कैसी हो, अम्लीय, तो अम्लीय मिट्टी के अंदर क्या होता है, पीएच मान कम होता है, और पीएच मान जब कम होता है तो ध्यान रखना कम पीएच के ऊपर एल्यूमिनियम की और एफपी की उपलब्धता बढ़ जाती है, तो वहां पर ये क्या करता है, जैसे बना लेता है एल्यूमिनियम फॉस्फेट, क्या बना लेता है, एल्यूमिनियम फॉस्फेट, ये भी भैया अपाचकों के लिए उपलब्ध नहीं है। यानी निम्न पीएच मान पर तो जो फॉस्फोर होता है वो एल्यूमिनियम या फिर आयरन फॉस्फेट बना लेता है, जो पादपों के लिए उपलब्ध नहीं रहता है, और उच्च पीएच मान के ऊपर कैल्शियम के साथ क्रिया कर लेता है। केवल और केवल अगर पादपों के लिए उपलब्धता की बात करें तो इसकी उपलब्धता जो होती है वो याद रखना पी वाले उर्वरकों की जो उपलब्धता होती है सबसे ज्यादा वो 6.5 से 7.5 पीएच मान पर ही रहती है। जब मृदा का पीएच मान 6.5 से 7.5 होता है तब फॉस्फोरस की जो उपलब्धता होती है वो सबसे ज्यादा होती है, या यूं कहें सबसे ज्यादा फॉस्फोरस उपलब्ध इसी पीएच मान पर रहता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कैल्शियम की भी मात्रा कम रहती है और आयरन एल्यूमिनियम की मात्रा भी क्या रहती है, कम, इसीलिए पादप सबसे ज्यादा क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। लेकिन मिट्टी कभी भी इस पीएच पर रहती नहीं, या तो ऊपर रहती है या नीचे रहती है, इसीलिए फॉस्फोरस की उपयोगिता क्या रहती है, कम रहती है। सबसे ज्यादा किसकी रहती है, किसकी रहती है, पोटेशियम की, नाइट्रोजन की कितनी रहती है, 40 से 50। सर इसका समझ में आ गया हमको कि ये सबसे ज्यादा क्यों है, क्योंकि के प्लस कणों पर बैठ जाता है और फसलें उसका उपयोग कर लेती है। इसका उपयोग पादप इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि इसका स्थिरीकरण हो जाता है, फिक्सेशन हो जाता है। पर इसके साथ क्या लोचा है सर, ये क्यों इसकी उपयोग दक्षता इतनी कम है, इसके पीछे कारण ये है कि जैसे मान लो अगर NO3 माइनस होता है ये तो पानी के साथ घुलकर नीचे चला जाता है, इसको बोलते हैं निक्षालन हानि। क्या बोलते हैं, पानी के साथ घुलकर नीचे ही चला गया तो अब किस काम का है, पौधे उपयोग करेंगे क्या, नहीं करेंगे। या फिर जैसे मान लो आपने क्षारीय मिट्टी के अंदर, आगे चल के पढ़ाऊंगा आपको कि नाइट्रोजन के हास की विधियां कितनी है, तो क्षारीय मृदाओं में नाइट्रोजन क्या करता है, अमोनिया के रूप में मिट्टी से अमोनिया गैस बनकर मिट्टी से उड़ जाता है, जिसको बोलते हैं वोलेटिलाइजेशन। क्या बोलते हैं, वोलेटिलाइजेशन, यानी मिट्टी से नाइट्रोजन की सबसे ज्यादा हानि होती है। सबसे ज्यादा क्या होती है, हानि होती है, इसीलिए इसकी उपयोगिता क्या है, कम है। समझ में आ गई मेरी बात, आई या नहीं आई, आ गई। ये तीनों बातें ध्यान रखना, ये एग्जाम में पूछी जाती है। सबसे कम उपयोगिता किसकी होती है, फॉस्फोरस की, कितनी होती है, 15 से 20। फॉस्फोरस वाले उर्वरकों की उपयोगिता इतनी होती है। अब बात करते हैं जैव उर्वरकों की, यानी कि कुछ क्या करते हैं, सूक्ष्म जीव ऐसे होते हैं जो या तो इस नाइट्रोजन की उपलब्धता को बढ़ाते हैं, या मिट्टी के अंदर जो फॉस्फोरस एकदम स्थिर हो गया है ना, कुछ सूक्ष्म जीव ऐसे होते हैं जो उसको वापस से घोल कर पादपों को दे देते हैं। समझ में आ रही है मेरी बात, उनको बोलते हैं PSB फॉस्फोरस सोल्यूबलाइजिंग जीवाणु, या जिसको बोलते हैं फॉस्फोरस घोलक जीवाणु, हिंदी में बोलते हैं फॉस्फोरस सोल्यूबलाइजिंग बैक्टीरिया बोलते हैं। तो उन सभी सूक्ष्म जीवों को हम बोलते हैं जैव उर्वरक, क्या बोलते हैं, जैव उर्वरक। जैव का मतलब है कुछ सूक्ष्म जीव होते हैं जो या तो पोषक तत्वों का स्थिरीकरण करते हैं या फिर उनको घोलने का काम करते हैं, उन सूक्ष्म जीवों को बोलते हैं जैव उर्वरक। तो समझो, देखो ध्यान देना, जैव उर्वरक का मतलब होता है कुछ सूक्ष्म जीव जैव उर्वरक, वे सूक्ष्म जीव होते हैं जो क्या करते हैं, जो पोषक तत्वों का या तो करते हैं स्थिरीकरण, जैसे नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कर रहे हैं, पोषक तत्वों का स्थिरीकरण
का कार्य करते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, बायो फर्टिलाइजर या जैव उर्वरक बोलते हैं। अब समझना मेरी बात, अगर वो जैव उर्वरकों के सामान्य किस्मों की बात करें तो जैसे राइजोबियम आपने बहुत बार नाम सुना होगा, क्या नाम सुना होगा, तो इस राइजोबियम की खोज करने के पीछे एक साइंटिस्ट को श्रेय जाता है जिसका नाम है विजरिंग। क्या नाम है, यानी राइजोबियम की खोज किसने की थी, किसने की थी, राइजोबियम जो था, राइजोबियम की खोज करने वाला या इसको सबसे पहले बार खोजने वाला जो वैज्ञानिक नाम था उसका नाम क्या था, विजरिंग। क्या नाम है उसका, विजरिंग। पहली चीज क्लियर है। दूसरी बात, अब इन्होंने तो क्या किया था, राइजोबियम जीवाणु को देखा था और राइजोबियम जीवाणु को इन्होंने नाम भी राइजोबियम नहीं दिया था, इन्होंने तो उसको नाम बेसिलस दिया था। क्या नाम दिया था, यानी कि विजरिंग ने जब राइजोबियम को पहली बार देखा तो उन्होंने उसको राइजोबियम भी नहीं कहा था, उन्होंने कहा बेसिलस है और स्टार्टिंग में राइजोबियम को बेसिलस के नाम से जाना जाता था। बाद में आगे चल के धीरे धीरे एक साइंटिस्ट हुए जिनका नाम है विनोग्राड स्काई। क्या नाम है, उन्होंने कहा कि ये जीवाणु बेसिलस नहीं है, इसका नाम तो क्या है, राइजोबियम है। साथ में उन्होंने ये भी कहा कि दलहनी फसलों में जो गांठें पाई जाती है ना, वो इसी जीवाणु की वजह से बनती है। यानी नाइट्रोजन के स्त्रीकरण की खोज करने वाले साइंटिस्ट कौन थे, विनोग्राड स्काई। कौन थे, विनोग्राड स्काई, जिनको कहा जाता है नाइट्रोजन स्त्रीकरण के जनक। क्या कहा जाता है, नाइट्रोजन स्त्रीकरण के जनक। कौन है, नाइट्रोजन स्त्रीकरण के, स्त्रीकरण के जनक की अगर हम बात करते हैं तो इसके जनक कौन है, इसके जनक है विनोग्राड स्काई। देखो ध्यान रखना, इस विनोग्राड स्काई को ध्यान रखना मृदा सूक्ष्म जीव विज्ञान का जनक भी बोलते हैं। क्यों, क्योंकि मृदा के अंदर इन्होंने क्या किया था, इस राइजोबियम को नाम देने का या फिर दलहनी फसलों में नाइट्रोजन का जो स्त्रीकरण होता है ना, इसकी खोज किसने की थी, विनोग्राड स्काई ने। इसीलिए इनको क्या कहा गया, नाइट्रोजन स्त्रीकरण का जनक कहा गया। यानी कि राइजोबियम की खोज तो किसने की, विजरिंग ने, और नाइट्रोजन स्त्रीकरण के बारे में किसने बताया था, विनोग्राड स्काई ने। किसने बताया था, विनोग्राड स्काई ने पहली बार बताया था। दोनों बातें समझ में आ गई। इस विनोग्राड स्काई को कहा जाता है मृदा सूक्ष्म जीव विज्ञान के जनक। किसके जनक, मृदा सूक्ष्म जीव विज्ञान के, मृदा सूक्ष्म जीव विज्ञान के जनक। देखो मैं फिर से कह रहा हूं, ध्यान रखना, सूक्ष्म जीव विज्ञान के जनक अलग है, जिसको बोलते हैं अपन जनरली माइक्रोबायोलॉजी। क्या बोलते हैं, माइक्रोबायोलॉजी के जनक अलग है, लेकिन सोइल माइक्रोबायोलॉजी के अलग है, क्योंकि इसके आगे मृदा शब्द भी लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है, आपने माइक्रोबायोलॉजी बायोलॉजी में बहुत बार पढ़ी होगी या नहीं पढ़ोगी, लेकिन यहाँ उस जीव विज्ञान या माइक्रोबायोलॉजी की बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ किसकी बात कर रहा हूँ, सोइल माइक्रोबायोलॉजी की। इसके जनक कौन है, विनोग्राड स्काई। नाइट्रोजन स्त्रीकरण के जनक कौन है, विनोग्राड स्काई है। समझ में आ गई मेरी बात। तो पहली बात तो यहाँ हमें तीन बातें सीखने को ये मिली है कि सर हम पहली बात तो जैव उर्वरक किसको कहेंगे, तो जैव उर्वरक जैसे ही नाम आए तो दिमाग में एक शब्द आना चाहिए कि कुछ सूक्ष्म जीव है। रे बाबा क्या है, कुछ सूक्ष्म जीव है और कुछ भी नहीं है मामला। समझ में आ गई मेरी बात। दूसरी बात देखो, इसकी खोज किसने की, सर विजरिंग ने कर दी। फिर बात करें सर नाइट्रोजन स्त्रीकरण को किसने खोजा, विनोग्राड स्काई ने खोजा, इसीलिए क्या कह दिया, जनक हमने कह दिया। फिर हमने कहा कि इन्होंने ये राइजोबियम नाम भी किसने दिया था, विनोग्राड स्काई ने ही दिया था, ध्यान रखना, याद रह जाएगा। फिर सर ये जैसे आपने उर्वरकों का वर्गीकरण पढ़ाया, क्या बायो फर्टिलाइजर जैव उर्वरक भी अलग अलग प्रकार के होते हैं, बिल्कुल होते हैं। अगर आपको कोई भी ये पूछ ले कि जैव उर्वरक जो होते हैं इनका वर्गीकरण से संबंधित क्वेश्चन आए तो कोई बात नहीं, फर्टिलाइजर की तरह डायग्राम समझ लेते हैं। जैसे मान लो कुछ तो क्या होते हैं, नाइट्रोजन वाले सूक्ष्म जीव जो नाइट्रोजन का क्या करते हैं, स्त्रीकरण, तो उनको तो क्या बोल देंगे, नाइट्रोजन स्त्रीकरण करने वाले जैव उर्वरक है, जिनको बात करेंगे सूक्ष्म जो जीव होते हैं उनकी। पहली चीज क्लियर है। दूसरी, जैसे हम फॉस्फोरस की बात करें तो फॉस्फोरस को क्या करते हैं, बोलते हैं, यानी हम कह देंगे फॉस्फोरस जैव उर्वरक। क्या कह देंगे,
फॉस्फोरस जे उर्वरक, यानी बेसिकली हमने यहाँ उर्वरकों को दो भागों में बांट लिया है, जिनमें हमने पहला तो कह दिया नाइट्रोजन जैव उर्वरक और दूसरा नाम क्या दे दिया, दूसरा क्या नाम दे दिया, फॉस्फोरस जैव उर्वरक। अब ध्यान देना इधर सारे बच्चे सामने देखना, नाइट्रोजन के स्थिरीकरण की बात करते हैं कि ये कितने प्रकार से होता है, इससे आपकी सारी चीजें क्लियर हो जाएगी, इसको एक बार में समझ लेना। जैसे मान लो ये कोई भी पादप है, इस पादप के पास यहाँ पर कोई जीवाणु आता है और आने के बाद यहाँ एक गांठ बन जाती है और इस गांठ के अंदर वो जीवाणु रहता है और नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है। एक तो ये तरीका हो गया। नाइट्रोजन स्थिरीकरण का मतलब होता है वायुमंडल में जो N2 के रूप में गैस है उसको इस रूप में, या यूं कहें ऐसे रूप में हमको लेके आना है जिस रूप का पादप उपयोग कर सकते हैं, उसको बोलते हैं नाइट्रोजन स्थिरीकरण। क्या बोलते हैं? नाइट्रोजन स्थिरीकरण। देखो इस रूप को पौधे उपयोग कर नहीं सकते हैं तो फिर क्या होगा, इस रूप का अगर उपयोग नहीं कर सकते हैं तो किसी ना किसी तरीके से, जैसे मान लो इसको आपने प्रोटीन के अंदर ले आए और बाद में प्रोटीन के जिनसे मान लो NH4 बन गया, फिर नाइट्रीकरण से NO3 बन गया, तो इन रूपों में लाने के लिए जो सूक्ष्म जीव जिम्मेदार है उनको हमने क्या कहा, जैव उर्वरक कह दिया। समझ में आ गई? तो कुछ जीवाणु तो क्या करते हैं, यहाँ गांठ बना के रहते हैं, कुछ जीवाणु क्या करते हैं किसी दूसरे पादप की जड़ों के पास रहते हैं लेकिन गांठ नहीं बनाते हैं, और कुछ क्या करते हैं कि उनको किसी पादप की जरूरत नहीं रहती, मिट्टी में स्वतंत्र रूप से रहते हैं और वहां नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। समझ में आ गई मेरी बात? यानी हमने दो चीजें सीखी कि सर राइज जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण जो होता है या तो गांठों में होता है या बिना गांठों के होता है। पहली चीज समझ में आ गई, या तो गांठों में होगा या बिना गांठों के होगा। अगर गांठों की बात करें तो गांठें भी दो प्रकार की होती है, एक तो होती है कि पादप की जो जड़ होती है वहीं पर रहे, और कई जगह क्या होता है कुछ पादपों में तने के ऊपर भी गांठें पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? तने के ऊपर भी गांठें पाई जाती है। तो हम इनको धीरे धीरे वर्गीकृत करते हुए आगे की तरफ बढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो हमने कहा कि नाइट्रोजन जैव उर्वरक रहते हैं। अब नाइट्रोजन जैव उर्वरक होते हैं ये कितने प्रकार के होते हैं, इनको आगे बढ़ते हैं, जिसमें पहले तो होते हैं जड़ों में गांठे बनाने वाले, या यूं कहें केवल गांठे बनाने वाले, क्या कह देंगे, गांठ बनाने वाले। और दूसरे को अगर हम बात करें तो दूसरों को हम कह देंगे बिना गांठ वाले। तो बिना गांठ वाले भी दो प्रकार के होते हैं, एक तो होते हैं सहजीवी, एक होते हैं मुक्त जीवी। अब इतना डिटेल में सुपरवाइजर में आता नहीं है तो मैं वर्गीकरण को थोड़ा सा शॉर्ट कर रहा हूँ, छोटा कर रहा हूँ। समझ में आ रही है मेरी बात? तो देखो इधर ध्यान देना, यहाँ हम पढ़ रहे हैं नाइट्रोजन जैव उर्वरक। तो नाइट्रोजन जैव उर्वरक तो है, इनको हम तीन भागों में बांटेंगे, जिसमें पहला तो होता है कि नाइट्रोजन के सहजीवी, जिसको बोल देते हैं अपन सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन। यानी कि नाइट्रोजन जैव उर्वरकों का काम केवल एक होता है और वो काम होता है नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करना। क्या करना काम होता है इनका? नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करना। और नाइट्रोजन का जो स्थिरीकरण होता है ये सूक्ष्म जीव तीन प्रकार से करते हैं। कितने प्रकार से करते हैं? तीन प्रकार से, जिसमें पहले को बोलते हैं सिम्बायोटिक नाइट्रोजन स्थिरीकरण। सिम्बायोटिक का मतलब होता है, जैसे मान लो ये पौधा है, इस पौधे की जड़ के पास यहाँ गांठ बनी, अब जीवाणु इस गांठ के अंदर रह रहा है, पादप क्या करता है खुद तो इसको दे देता है कार्बोहाइड्रेट। क्या दे देता है? कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो जीवाणु के लिए भोजन का काम करता है। किसका काम करता है? यानी पादप ने इस जीवाणु को भोजन दे दिया और बदले में जीवाणु ने वायुमंडल में जो N2 गैस है इसका स्थिरीकरण करके इस पादप को वापस से नाइट्रोजन दे दी। क्या दे दी? नाइट्रोजन। यानी कि देखो पादप ने इसको भोजन दिया और जीवाणु ने उसको नाइट्रोजन दे दिया, दोनों एक दूसरे का सहयोग कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? जब दो जीव एक दूसरे का सहयोग करते हैं तो उनके बीच में जो संबंध बनता है प्लस प्लस का बनता है, उसको बोलते हैं सिम्बायोटिक एसोसिएशन। क्या बोलते हैं उसको? सहजीवी संबंध। क्या बोलते हैं उसको? सहजीवी। यानी कि पहला जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण होता है वो हो जाता है सहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण। पहला क्या हो जाता है? सहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण। दूसरा हो जाता है असहजीवी। कौन सा हो जाता है? और अंतिम की बात करते हैं तो अंतिम हो जाता है मुक्त जीवी। कौन सा हो जाता है? मुक्त जीवी। पहले बता रहा हूं, इनके उदाहरण पूछते हैं एग्जाम में, इनको अच्छे से समझ लेना अभी। यानी नाइट्रोजन स्थिरीकरण वाले जीवाणु कितने प्रकार के होते हैं? पहले कौन से होते हैं? सहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण। दूसरे कौन से होते हैं? तीसरे कौन से होते हैं? मुक्त जीवी।
सहजीवी का मतलब होता है कि इनमें क्या होगा, पादप और जीवाणु दोनों को ही फायदा होगा। ध्यान रखना, पादप को भी फायदा होगा और जीवाणु को भी क्या होगा, फायदा होगा। असहजीवी का मतलब है, जैसे मान लो ये पादप की जड़ है, यहाँ पर कुछ जीवाणु तो जिन्होंने नाइट्रोजन का स्थिरीकरण किया, ये नाइट्रोजन पादप को मिल गई, यानी पादप को तो क्या हो गया, फायदा हो गया। लेकिन यहाँ जो जीवाणु है उसको कोई फायदा है क्या इस चीज से, यानी इसको कोई फायदा नहीं हुआ। इसको बोलते हैं असहजीवी, यानी ये साथ साथ नहीं रहते हैं। देखो यहाँ तो ध्यान रखना, अगर जड़ वाली जड़ में दलहनी फसल नहीं होगी तो जीवाणु भी नहीं होगा, लेकिन ये जीवाणु रह सकते हैं। और मुक्त जीवी का मतलब होता है ये मिट्टी में स्वतंत्र रहते हैं, इनको ना फसल से मतलब है ना किसी और चीज से मतलब है, ये अपने आराम से रहते हैं, उनको बोलते हैं मुक्त जीवी। और इसका उदाहरण होता है एजेटोबैक्टर। कौन होता है? एजेटोबैक्टर। यानी देखो ध्यान देना है कि किस चीज को हम समझते हैं, इसमें पहले की हम बात करें तो मुक्त जीवी का उदाहरण होता है कि ये मृदा में स्वतंत्र रूप से रहते हैं, ये किसी फसल के साथ जुड़े हुए नहीं रहते हैं और मिट्टी में रहकर नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं, उनको बोलते हैं मुक्त जीवी। इसका उदाहरण हो जाता है एजेटोबैक्टर। क्या होता है? एजेटोबैक्टर। पहली चीज क्लियर है। इसका उदाहरण असहजीवी का मतलब होता है ये कुछ फसलों के साथ जुड़ा हुआ रहता है, उन फसलों की जड़ों के आसपास रहता है और वहां नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है। जैसे बात करें तो एजोस्पाइरिलम। क्या होता है? स्पाइरिलम। जैसे आप लोगों को बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन देखा होगा कि सोरगम के साथ या ज्वार के लिए कौन से जैव उर्वरक का उपयोग किया जाता है, सुना होगा आपने, ज्वार बाजरे के लिए सुना होगा, तो याद रखना इसी एजोस्पाइरिलम का किया जाता है। क्लियर है मेरी बात? फिर बात करते हैं सहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण वाले जीवाणु, ये भी क्या करते हैं, ये भी दो प्रकार के होते हैं। या तो ये क्या करते हैं, गांठे बना के रहते हैं। कैसे बना के रहते हैं? गांठे बना के रहते हैं, या फिर रहते हैं बिना गांठ के। यानी एक तो जाता है कि गांठों में नाइट्रोजन का स्थिरीकरण, एक होता है बिना गांठ के। एक कौन सा होता है? बिना गांठ के, यानी कोई गांठ नहीं बनाते, केवल नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं, और एक गांठ बना के नाइट्रोजन का स्थिरीकरण किया जाता है। गांठ बना के नाइट्रोजन का स्थिरीकरण जो होता है वो एक ही जीवाणु करता है, जिसका नाम है राइजोबियम। क्या नाम है? राइजोबियम नाम है। जिसका क्या नाम है? राइजोबियम नाम है। और बिना गांठ के नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करने वाले जो जैव उर्वरक होते हैं, जैसे अपन बात करें एजोला की, जैसे हम बात करें किसकी, एजोला की बात करें, या इसके अलावा भी जैसे जो जैव उर्वरक होते हैं वो किसमें आ जाते हैं, बिना गांठ वाले में आते हैं। क्योंकि एजोला एक फर्न होता है, फर्न का मतलब होता है तैरता हुआ खरपतवार होता है। इसकी पत्तियों में क्या होता है, एक कवक आती है, वो इसकी पत्तियों के अंदर कैविटी बना के रहती है और वहां नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है। या जैसे आपने बीजीय नाम सुना होगा, क्या नाम सुना होगा, ब्लू ग्रीन एल्गी, जिसको बोला जाता है साइनोबैक्टीरिया। क्या कहा जाता है? साइनोबैक्टीरिया। ये बिना गांठ के नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। या फिर आप याद रख लेना एजोला, क्या आ जाता है, एजोला आ जाता है। ये नाइट्रोजन स्थिरीकरण की हम बातें करते हैं, वापस से एक्सप्लेन करता हूं इसको, शुरू से समझना इस चीज को। देखो हमने पहले तो कहा जैव उर्वरक क्या होता है, वो सूक्ष्म जीव जो पोषक तत्वों का या तो स्थिरीकरण करे या फिर उनको घोलने का काम करे, उनको क्या बोलते हैं, जैव उर्वरक। नाइट्रोजन का जो फिक्सेशन करते हैं, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं, उनको बोलते हैं नाइट्रोजन जैव उर्वरक। क्या बोलते हैं? नाइट्रोजन जैव उर्वरक। और नाइट्रोजन के जो जैव उर्वरक होते हैं वो तीन प्रकार के, जैसे सहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण, असहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण या मुक्त जीवी, ये तीन प्रकार के होते हैं। जिसमें सहजीवी जो होते हैं ये दो प्रकार से करते हैं, गांठों में और बिना गांठों के करते हैं। गांठों में कौन पाया जाता है? राइजोबियम। तो याद रखना राइजोबियम एक प्रकार का सहजीवी जीवाणु होता है, या यूं कहें ये याद रखना सहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है। दूसरा असहजीवी नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कौन करता है? एजोस्पर्म। और मुक्त जीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण वाला जीवाणु कौन सा होता है? एजेटोबैक्टर। कौन सा होता है? एजेटोबैक्टर। यहां तक की बात समझ में आ गई। उसी तरह से फॉस्फोरस वाले जो उर्वरक होते हैं वो भी होते हैं दो प्रकार के। कितने प्रकार के होते हैं? कुछ फॉस्फोरस वाले उर्वरक तो क्या करते हैं कि जो मिट्टी में फॉस्फोरस है उसको घोलकर उपलब्ध रूप में ले आते हैं, और कुछ क्या करते हैं, जैसे मान लो ये उच्च पादप की जड़ है, यहाँ पर एक कवक थी जिसको बोलते हैं माइकोराइजा। क्या बोलते हैं? अब ये क्या करता है, यहाँ से तंतुनुमा संरचना बनाता है, यहाँ जो फॉस्फोरस पड़ा हुआ था ये कवक या माइकोराइजा उसको उपशोषित करता है और धीरे धीरे लाकर इस पादप को उपलब्ध करवा देता है। समझ में आ गई मेरी बात? यानी इसने क्या किया, यहाँ जो फॉस्फोरस था उसको खुद ने अवशोषित किया और पादप को लाके दे दिया। और दूसरा तरीका क्या है, जैसे मान लो यहाँ फॉस्फोरस था,
इस फॉस्फोरस को घोल दिया, घोलने का मतलब है इसको उपलब्ध रूप में कन्वर्ट कर दिया। यानी दो प्रकार के होते हैं, पहले तो कि फॉस्फोरस को या पोषक तत्व का अवशोषण करने वाले और एक उनको घोलने वाले। समझ में आ गई? तो अब कोई जड़ आए घुले हुए के पास, यहाँ से पोषक तत्वों को लेके जाए और यहाँ इसने क्या किया, यहाँ से अवशोषित किया और इसको लाके दिया है। समझ में आ गई मेरी बात? ये यहाँ पर भी दो प्रकार के होते हैं, ध्यान रखना। पहला जो प्रकार होता है वो कौन सा होता है? पहला प्रकार होता है फॉस्फोरस घोल। कौन से होते हैं? फॉस्फोरस को घोलने वाले, और दूसरे की बात करें तो फॉस्फोरस का अवशोषण करने वाले, अवशोषण। ध्यान रखना, फॉस्फोरस घोलने वाले जीवाणुओं का मतलब है ये फॉस्फोरस को घोलते हैं। जैसे अपन बात करें तो एक तो होता है बेसिलस, कौन सा होता है? एक होता है जैसे हम बात करें तो स्यूडोमोनास, कौन सा होता है? स्यूडोमोनास। ये दोनों के दोनों क्या करते हैं? फॉस्फोरस को घोलने का काम करते हैं। ये दोनों जीवाणु है, ये दोनों क्या है ध्यान रखना, ये दोनों के दोनों क्या है? जीवाणु है। एक कवक भी होती है जो फॉस्फोरस को घोलने का काम करती है। कवक में आता है, एक तो ध्यान रखना आप लोगों ने मूंगफली के अंदर जो एफ्लाटोक्सिन बनता है उसका नाम सुना है, कौन सी कवक से बनता है, किससे बनता है, किससे बनता है? एस्परजिलस जो होती है वो फॉस्फोरस को घोलने का काम भी करती है। समझ में आ गई मेरी बात? तो एक तो हो जाएगा एस्परजिलस, और एक अपन बात करें तो फ्यूजेरियम के भी ये कार्य रहता है। दूसरा अपन बात करें जैसे फॉस्फोरस का जो अवशोषण करते हैं उसमें, तो आप लोगों ने एक वेम नाम सुना होगा। क्या नाम सुना होगा? वेम, जिसका मतलब होता है वेस्कुलर एरोस्कुलर माइकोराइजा, या इसका उदाहरण आप सीधे सीधे तौर पर याद रख सकते हो माइकोराइजा। क्या याद रख सकते हो? माइकोराइजा। ये आपको उदाहरण ध्यान में रखने हैं, बाकी इन चीजों को डिटेल से पढ़ाऊंगा। ये तो एक डायग्राम था सिर्फ समझने के लिए। फॉस्फोरस वाले कितने प्रकार के होते हैं? पहला कौन सा होते हैं? फॉस्फोरस को घोलने वाले। दूसरे कौन से होते हैं? फॉस्फोरस का अवशोषण वाले। अवशोषण का काम तो कौन करता है? कौन करता है? माइकोराइजा। घोलने का काम कौन करता है? बेसिलस और स्यूडोमोनास। ये तो किसके हो गए? फॉस्फोरस के। जैसे फॉस्फोरस घोलने वाले जो होते हैं इनको एक नाम भी दिया हुआ है, ध्यान रखना, आप अक्सर एग्जाम में ये नाम पढ़ते होंगे। इनको नाम दिया हुआ है, नाम क्या दिया हुआ है इसको? नाम दिया हुआ है पीएसबी। क्या नाम दिया हुआ है? पीएसबी। पी का मतलब होता है फॉस्फोरस सोल्यूबलाइजिंग बैक्टीरिया। ऐसे जीवाणु जो फॉस्फोरस को घोलने का काम करते हैं उनको बोलते हैं पीएसबी। और पीएसबी का उदाहरण क्या होता है? बेसिलस और स्यूडोमोनास। कौन है? बेसिलस और स्यूडोमोनास। एग्जाम में एक सीधा सा क्वेश्चन आता है ये पीएसबी का, निम्न में से कौन सा जीवाणु है पीएसबी का उदाहरण? तो कौन सा होता है? बेसिलस और स्यूडोमोनास। नीचे फॉस्फोरस अवशोषण में उदाहरण कौन होता है? माइकोराइजा। माइकोराइजा का उदाहरण क्या है? वेम। वेस्कुलर अर्वोस्कुलर माइकोराइजा जो क्या करता है, एक तंतुनुमा संरचना बनाता है मिट्टी में, जहां उसको फॉस्फोरस मिलता है उसका अवशोषण करके लाता है और पादप को दे देता है। और ये ऊपर वाला क्या करता है? लाके नहीं देगा, बस घोल देगा, पादप की जड़ जाएगी और वहां से ग्रहण कर लेगी। ये तो फॉस्फोरस के हो गए दो प्रकार के। और अगर नाइट्रोजन वालों की बात करें तो नाइट्रोजन वाले हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं, उनमें आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, क्योंकि नाइट्रोजन स्थिरीकरण वाले जीवाणु कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के। कितने प्रकार के होते हैं? पहले कौन से होते हैं? सहजीवी। सहजीवी की बात करते हैं। दूसरा कौन सा होता है? तीसरा कौन सा होता है? जैसे एजुला की बात करें, किसकी बात करें? एजुला की बात करें, तो ध्यान रखना ये बीजिए यहाँ। जैसे एजुला की बात करें, किसकी बात करें? एजुला की। धान के खेत में एक फर्न डाली जाती है जिसकी पत्तियों में एनाबिना नॉस्टोक रहता है और वह नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है। राइजोबियम की बहुत सारी स्पीशीज होती है, 6-7 होती है, जैसे राइजोबियम जुपिनी, राइजोबियम लेग्यूमिनेसर और राइजोबियम जेपोनिकम ट्राइफोलियम, ठीक है, फेस्टिवली, इस तरह से 6-7 प्रकार की प्रजातियां होती है अलग अलग फसलों के लिए, तो राइजोबियम स्पीशीज के नाम से पढ़ते हैं। तो राइजोबियम और एजोला तो किसके उदाहरण है? सहजीवी नाइट्रोजन। एग्जाम में सीधा सा क्वेश्चन आता है, निम्न में से कौन सा सहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण का उदाहरण है? कौन है? और एजोला भी सहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण ही करता है, ध्यान रखना। कवक और फर्न के बीच में सहजीवी संबंध रहता है। समझ में आ गई मेरी बात? असहजीवी में ध्यान रखना, असहजीवी के अंदर क्या आ जाता है? मुक्त जीवी में क्या आ जाता है? एजोडोबैक्टर। ये सारे के सारे क्या करते हैं? नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। यहां तक की बात समझ में आ गई? बहुत बढ़िया। यानी इससे पहले वाली स्लाइड उतार लो, उसके बाद में इस डायग्राम को उतारना है, और उसके बाद में इसके बारे में थ्योरी वाली बातें आगे दिखाएंगे। ये तो समझाने की बात थी कि आपको एक बार
जैव उर्वरक होते क्या है ये चीज समझ में आ जाए, इसके बाद में हम समझ जो लिखने वाली बातें हैं वो बाद में लिखेंगे, पहले इसको उतार लो। क्या टाइम हो गया? बहुत ज्यादा है, मेरे को तो समझ ही नहीं आ रहा मैं बोल क्या रहा हूँ लिख क्या। अभी बोलते हैं कुछ ना कुछ समाधान करवाते हैं। आज हैवी गर्मी वैसे भी ज्यादा है आज। उतार लो। और इनमें से जैव उर्वरक में से क्वेश्चन बताऊं कहाँ से आता है? जैव उर्वरक में से क्वेश्चन आता है, ऐसे पूछता है मूंगफली के लिए निम्न में से किस जैव उर्वरक का उपयोग करते हैं, समझ रहे हो? बरसीम के लिए कौन सा करते हैं, या फिर जैसे मान लो सोयाबीन के लिए किसका करते हैं, समझ रहे हो? और वैसे इन्होंने सोयाबीन से ही निकाला था। बीजे रिंग ने राइजोबियम की जब खोज की थी तो ध्यान रखना सोयाबीन की जड़ों में की थी। किसकी जड़ों में की थी? ध्यान रखना सोयाबीन जो फसल होती है ना, सोयाबीन की जड़ों में इसकी खोज की थी इन्होंने, ये भी ध्यान रखना। सोयाबीन की जड़ों में सबसे पहली बार इसको इन्होंने खोजा था। उतार दो। राइजोबियम के पैकेट में कितने ग्राम का आता है पैकेट? एक हेक्टेयर के लिए कितना राइजोबियम चाहिए? हाँ जी, एक हेक्टेयर अगर आपको फसल के लिए लगभग कितने किलोग्राम राइजोबियम की आवश्यकता होती है? कितना? 600 से 800 ग्राम, लगभग 3-4 पैकेट की आवश्यकता रहती है हमको। 1 किलोग्राम बीज का अगर आपको उपचार करना है तो उसके लिए कितना ग्राम राइजोबियम चाहिए? कितना? 20 ग्राम राइजोबियम। ये भी लिखवा दूंगा, टेंशन मत लेना, बेसिक हिंदी में से आता है क्वेश्चन। ये जो डायग्राम, ये तो यूं है आपके माइंड में चली जाए चीजें। जैसे हो सकता है आप लोग कहीं किसी और संस्थान का पहले आपने कोर्स ले रखा हो तो आपको यूं पढ़ाया होगा कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण वाले दो होते हैं, सहजीवी और असहजीवी, इतना ही पढ़ाया होगा। समझ में आ गई मेरी बात? लेकिन वास्तविकता में कितने प्रकार के होते हैं? 3। उन्होंने क्या किया, जो मुक्त जीवी होता है ना उसको असहजीवी में डाल देते हैं। किसमें डाल देते हैं? असहजीवी जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण वाले जीवाणु है इसके अंदर असहजीवी को भी रखते हैं, जैसे एजोटोबैक्टर और एजोस्पर्म दोनों को इसी में लिखा हुआ पाओगे। लेकिन मैंने अलग इसलिए लिखवाया है क्योंकि एग्जाम में सीधा ही क्वेश्चन आता है कि निम्न में से नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करने वाला मुक्त जीवी जीवाणु कौन सा है। अब बताओ उसको कैसे करवाएं फिर आपको? इसका मतलब आपको क्या करना है, आपको वर्गीकरण ही हम अलग से पढ़ा देंगे अलग पूरा। समझ में आ गई मेरी बात? इसीलिए मैंने उसको रखा ही अलग है, इसमें डाला ही नहीं है। ये उतार लिया तो आगे कर दूं। देखो मैं क्या कह रहा था, मैं समझाने के लिए कह रहा था कि ज्यादातर संस्थानों में आपने ये पढ़ा होगा कि ये दोनों दो ही प्रकार के होते हैं, सहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण, दूसरा होता है असहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण, ये होता ही नहीं है मुक्त जीवी। इस उदाहरण को कहाँ लिख देते हैं? असहजीवी में। कहाँ लिख देते हैं? असहजीवी में लिख देते हैं। समझ में आ गई मेरी बात? तो यहाँ असहजीवी में जैसे ही इसको लिखते हैं, लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करने वाला मुक्त जीवी जीवाणु का उदाहरण कौन सा है, उसका उदाहरण क्या आता है? एजेटोबैक्टर। फिर इसको सही कैसे मान रहे हो आप लोग, मुक्त जीवी है ही नहीं तो क्वेश्चन को सही क्यों मान रहे हो? तो जितनी भी स्टैंडर्ड वाली बुक्स है उसमें ये 3 ही प्रकार के दे रखे हैं। इसके आगे आप लिख लेना असहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण, मुक्त जीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण, ऐसे लिख लेना इनके आगे, मैंने शॉर्ट में लिखा है। उतार लो इसको, पूरे डायग्राम को उतार लो आप।
और इस कवक के अंदर आप नाम लिख देना जिसमें एक तो एस्परजिलस आ जाएगा, क्या आ जाएगा है ना, एक पेनिसिलियम आ जाएगा। जैसे सुपरवाइजर में आपकी बार राइस थी, क्वेश्चन आके आया था पता है आपको, क्वेश्चन आया था कि निम्न में से कौन सा सूक्ष्म जीव जे उर्वरक नहीं होता है। ऑप्शन था कि कवक नहीं होती है, ऑप्शन था कि जीवाणु नहीं होता है, क्या नहीं होता है, ऑप्शन था एक्टिनोवाइसिटीज नहीं होती है, क्या नहीं होती है, एक्टिनोवाइसिटीज नहीं होता है, ऑप्शन था सेवाल नहीं होता है। कुल मिला के ये तीन थे, कौन नहीं होता है, निम्न में से कौन सा जैव उर्वरक का उदाहरण नहीं है। क्वेश्चन फिर से रिपीट कर रहा हूं, निम्न में से कौन सा जैव उर्वरक का उदाहरण नहीं है। देखो यहाँ गाठे बनाने में एक एक्टिनोवाइसिटीज होती है जिसमें आप लोगों ने नाम सुना होगा फ्रेंग किया, क्या नाम सुना होगा, एक नाम सुना होगा आपने, क्या ये नाम सुन रखा है आपने फ्रेंग किया। यह फ्रेंग किया भी क्या करती है, जड़ों में गांठे बनाकर नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करने का काम करती है। और यह फ्रेंग किया लोग इसको पढ़ाते हैं कि ये एक जीवाणु है, वास्तविकता में ये एक एक्टिनोमाइसिटीज होती है, क्या होती है, एक्टिनोमाइसिटीज होती है। लोग हमेशा ये पढ़ते हैं कि जो बीजीए नाम पढ़ते हैं, किसका नाम पढ़ते हैं, बीजीए का मतलब होता है ब्लू ग्रीन एल्गी नील हरित शैवाल, लेकिन ये वास्तव में शैवाल नहीं होता है, ये वास्तव में जीवाणु होता है, इसीलिए इसको बोलते हैं साइनोबैक्टीरिया, क्या बोलते हैं, साइनोबैक्टीरिया, यानी कि ये क्या होता है बीजीए, ये वास्तव में जीवाणु होता है, नाम में शैवाल लिखने से शैवाल नहीं हो गया है, ये क्या होता है वास्तव में बैक्टीरिया होता है। तो यहाँ पर आपके सामने शैवाल का एक भी ऑप्शन नहीं है। देखो कवक भी होती है, जीवाणु तो राइजोबियम है ही, फ्रेंग किया क्या है, एक्टिनोमाइसिटीज है, तो राइट आंसर क्या आएगा, सेवाल। आपकी तरह ज्यादातर बच्चों ने यही आंसर किया था इसमें कि सर एक्टिनोमाइसिटीज है, लेकिन मैं पढ़ाता हूँ तो बहुत अच्छे से बताता हूँ, बीजीए का नाम होता है साइनोबैक्टीरिया, ये कभी भी क्या नहीं होता है, ये एक प्रकार का एल्गी नहीं है, सेवाल नहीं है, ये क्या है, ये है साइनोबैक्टीरिया, बैक्टीरिया का उदाहरण है। समझ में आ गई मेरी बात, तो इसका मतलब ये हुआ फ्रेंकिया जो होता है वो एक प्रकार की एक्टिनोमाइसिटीज है, क्या है, एक प्रकार की, ये भी जड़ क्या करती है, गांठे बनाती है, जड़ों में जाकर गांठे बनाती है और फिर नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करती है फ्रेंकिया, लेकिन फ्रेंकिया होता क्या है, एक्टिनोमाइसिटीज, तो राइट आंसर होगा सेवाल इसका। ये क्वेश्चन जेट में आया था, बहुत आसान सा क्वेश्चन था कि निम्न में से नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करने वाला सूक्ष्म जीव या जैव उर्वरक नहीं है, ये क्वेश्चन था। मैं फिर कह रहा हूं याद रख लेना बहुत अच्छे से, सहजीवी स्थिरीकरण कौन कौन करता है, राइजोबियम और असहजीवी कौन सा होता है, एजोस्पर्म और बीजीए, मुक्त जीवी कौन सा होता है, एजेटोबैक्टर, कौन होता है, एजेटोबैक्टर। फॉस्फोरस जो होता है या फॉस्फोरस जैव उर्वरक कितने प्रकार के होते हैं, पहले कौन से होते हैं, फॉस्फोरस घोलने वाले, जिनको बोलते हैं फॉस्फोरस घोलक जैव उर्वरक, दूसरे कौन से होते हैं, फॉस्फोरस अवशोषक, जिसमें अवशोषक का उदाहरण कौन सा होता है, माइकोराइजा और वैम, या फिर अपन बात करें फॉस्फोरस घोलक का उदाहरण क्या है, बेसिलस, सूडोमोनास, एस्परजिलस, पेनिसिलियम, ये सारे किसके उदाहरण है, पी घोलक के हैं। इनमें से सीधा सा एग्जाम में जितने क्वेश्चन आते हैं उदाहरण के आते हैं, असहजीवी नाइट्रोजन या फिर यूं कहें नाइट्रोजन स्थिरीकरण का असहजीवी जीवाणु का उदाहरण है, क्या आ जाता है, एजोस्पर्म, या फिर आ जाता है सहजीवी का उदाहरण है राइजोबियम, यही क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में सीधे सीधे, इसीलिए मैंने यहाँ पर आपके उदाहरण लिख रखे हैं, तो इसको अच्छे से समझ लेना और याद कर लेना, राइजोबियम और एजोला सहजीवी है। नेक्स्ट बात करें असहजीवी एजोस्पाइरिलम है, मुक्त जीवी एजोटोबैक्टर है, फॉस्फोरस को घोलने का काम बेसिलस और सूडोमोनास करते हैं, फॉस्फोरस के अवशोषण का काम वेम करते हैं, वेम के नाम में ही क्या आता है, फॉस्फोरस, सॉरी वेस्कुलर अर्बोस्कुलर माइकोराइजा, ये फॉस्फोरस को एब्जॉर्ब करता है दूरी से और लाके प्लांट को दे देता है, और घोलने का काम है तो उसको बोलते ही पीएस भी है, फॉस्फोरस सोल्युबलाइजिंग बैक्टीरिया, जिसके उदाहरण ये दोनों है, ध्यान रखना ये दोनों किसके उदाहरण है, ये पीएसबी के उदाहरण है, फॉस्फोरस सोल्युबलाइजिंग बैक्टीरिया, उतार लो इनको। आगे चलें,
आगे कई बार इनके उपयोग की विधियां भी आती है, ये दोनों जो होते हैं उनको डायरेक्ट मिट्टी में डाला जाता है, इसको अपन बीजों के साथ उपयोग करते हैं, वो आगे पढ़ा दूंगा मैं। उपयोग की विधियां दो तीन होती है, बीज उपचार या फिर मिट्टी में डायरेक्ट डालते हैं तो कैसे डालते हैं, उनका रेशियो क्या रहता है। अगर ये उतार लिया है तो मुझे कह दो उतार लिया। सबने नोट कर लिया? ये भी उतार लो, ये भी उतार लो, उतार लो इसको भी। 2 मिनट, ये ध्यान रखना, इसका मैं पहले बता रहा हूँ, ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है, पूछ लेता है बहुत बार। फॉस्फोरस की उपयोग दक्षता, उपयोग दक्षता को इंग्लिश में बोलते हैं यूज एफिशिएंसी। क्या बोलते हैं? हाँ, जिसको अगर आप उर्वरक आगे लगाओगे तो उधर भी लगा देना, फर्टिलाइजर। उर्वरक उपयोग दक्षता नाइट्रोजन उर्वरकों की ये रहती है, फी वाले की रहती है और के वालों की ये रहती है, उसको बोलते हैं फर्टिलाइजर यूज एफिशिएंसी। ये तो बेसिक जानकारी बायो फर्टिलाइजर के बारे में हो गई। कल हम पढ़ेंगे एग्जाम में आने वाले सारे क्वेश्चन, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल बीजीए कितने किलोग्राम नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है, राइजोबियोसन कितना करता है, एजोला कितना करता है, क्योंकि एग्जाम में यही आता है। एजोला का उपयोग कौन सी फसल में करते हैं, ज्वार में किसका करते हैं, बाजरे में किसका करते हैं, धान में किसका उपयोग करते हैं, गेहूं के लिए कौन सा सही है, दलहनी के लिए कौन सा सही है। क्योंकि मैंने पहले भी आपको कहा था कि सुपरवाइजर में ज्यादातर क्वेश्चन फील्ड से आएंगे, खेतों से आएंगे। कहाँ से आएंगे? किसानों को कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आपकी उपयोग दक्षता कितनी है, किसानों को कोई फर्क नहीं पड़ता है कि फॉस्फोरस के उर्वरक कितने प्रकार के होते हैं, उनको फर्क इस बात से पड़ता है कि उनको क्या करना चाहिए, कौन सी चीज खेत में डालनी चाहिए। समझ में आ गई मेरी बात? कितनी मात्रा में डालनी चाहिए, और क्वेश्चन भी वहीं से आता है। वो चीजें हम पढ़ेंगे कल की क्लास में, आज के लिए इतना काफी है। इसको अगर आपने नोट कर लिया है तो आज के लिए क्या है, बहुत इतना, ठीक है? हाँ, क्या बोल रहे हो, टाइम नहीं हुआ? हो गया बेटा, सर बोल के चले गए ना।